हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू एंड वेलकम टू अवर पेड पीजीटी कोर्स। चलिए बेटा, हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, मतलब एक लेक्चर क्या बोले, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। दैट मींस चैप्टर नंबर 1 सेल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया बेटा। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, हम पूरे पीजीटी को 38 चैप्टर में कवर करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड में 38 चैप्टर्स, उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद हर चैप्टर के बाद 50 क्वेश्चन का मैराथन चलेगा, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आप और मैं मिलके करेंगे यूट्यूब में, और कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, उसके बाद बाकी जो है पूरे हमारे वेबसाइट पे और हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो बेटा, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो में हम उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टिपिकल लेवल में आगे जाएंगे। जस्ट इस वीडियो के बाद एक लिंक आपके वेबसाइट में ऐड होगा, जिसके थ्रू आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन का फिर से एक टेस्ट पेपर है बेटा, टेस्ट पेपर नंबर 1, वहां पे अपने को सेल बायोलॉजी का पूरा प्रैक्टिस करना है। तो 50 क्वेश्चन मैं यूट्यूब के थ्रू करा रहा हूं और 50 क्वेश्चन आप वेबसाइट से करेंगे, तो एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट मींस आप बहुत ही बेहतर लेवल में उसको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देख लो हमारा आज का टॉपिक क्या है। पहला चैप्टर है हमारा कोशिका जीवन की इकाई, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, लाइफ। इसी में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑर्गेनेल की स्टडी करेंगे। जितने भी एग्जाम आप जानते हैं, KVS, NVS हो गया, EMRS, CG, PGT हो गया, MPPGT हो गया, MHPGT हो गया, जितने भी बायोलॉजी एग्जाम्स होते हैं, उन सभी को टारगेट करते हुए क्वेश्चन बनाया गया है, तो बहुत बेहतर होगा। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, देखते ही आपसे बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बेटा, और बहुत ही कम टाइम में हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ये आपके सामने टाइमर दिख रहा होगा, ये टाइमर दिख रहा है ना, इस टाइमर को मैं क्लिक करूंगा और हम देखते हैं कि 50 क्वेश्चन को हम कितने मिनट में बनाते हैं। मैं तो थोड़ा रुक जाऊंगा कि आप प्रैक्टिस करके बताओ, बट उसके बाद मैं तुरंत अटेम्प्ट करके आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने, ठीक है, इसको हम डाउन कर देते हैं बेटा, ये ऐसा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले टाइमर हम ऑन कर लेते हैं। 10 क्या बोलता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बेटा, है ना, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो हमको पता है बेटा कि जो राइबोसोम होते हैं वो एक तरह का मशीन है, ठीक है, राइबोसोम मशीन है फॉर व्हाट, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। गॉल्जी बॉडी का काम है बेटा प्रोटीन को पैकेज करना, ट्रांसपोर्ट करना। माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है, रेस्पिरेशन के लिए काम आता है, और लाइसोसोम हमारे अनवांटेड मटेरियल को डिग्रेड करने के काम आता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइबोसोम है। देखो एक्सप्लेन करने के बाद भी आपके 40 सेकंड में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज अ पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं, ये तो 10th क्लास का बच्चा भी बना लेगा क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट ना हो जाओ इसलिए पहले बेसिक क्वेश्चन को सामने लाया हूं। तो भैया पावर हाउस किसको कहते हैं बेटा, जो ATP का प्रोडक्शन करता है, और ATP का प्रोडक्शन कौन करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है बेटा। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल बनती है, सेल से बनता है बेटा टिश्यू, टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गन, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और इसी ऑर्गन सिस्टम को हम कहते हैं बेटा बॉडी, ह्यूमन बॉडी बोल सकते हो। ह्यूमन बॉडी को कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारा सेल, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, सेल आ जाएगा, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इन अ प्लांट सेल विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए बेटा रंजक, पिगमेंट चाहिए, ठीक है भाई, हमको क्या क्या चाहिए, पिगमेंट चाहिए। पिगमेंट कौन होते हैं बेटा, आपके क्लोरोफिल हो गए, ठीक है, जैंथोफिल हो गए, कैरोटीन्स हो गए, कैरोटीनाइड्स हो गए, और ये सभी पिगमेंट्स कहाँ होते हैं,
आपके क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होते हैं, वैक्यूल में स्टोरेज होती है, गोल्जी बॉडी में मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड पैकेजिंग एंड टारगेटिंग होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पांचवें क्वेश्चन में आ गया, हमारे पास मात्र 2 मिनट हुआ है। और आपके पीजीटी में टोटल 150 क्वेश्चन आता है बेटा, और 3 आवर्स के लिए होता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन 3 घंटे के लिए होता है, मतलब ये मान के चलो कि भैया 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन, या तो और भी उससे स्पीड बना रहा है, ऐसे ही प्रैक्टिस आपका चलेगा। यदि अभी तक आपने हमारा परचेस या पेड ग्रुप आपने परचेस नहीं किया होगा तो आप अभी भी परचेस कर सकते हैं, पुराने स्टूडेंट के लिए जो सेट का कोर्स परचेस करके रखा है उसके लिए 5000 का कोर्स 2500 में मिलेगा, और जो नए स्टूडेंट है उनको बेटा 5000 का कोर्स 3999 में, मतलब 4000 रुपीज में मिलेगा। अभी भी देर नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए मैं अपने आप को नीचे रख देता हूं, आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन में। विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग, जो डेड सेल होते हैं बेटा, डेड सेल को डिग्रेड कर जाना, डिग्रेड करने के लिए क्या होता है, ये फट जाता है, कौन, हमारा लाइसोसोम, इसको हम कहते हैं बेटा ऑटोफेजी। क्या कहते हैं, ऑटोफेजी, खुद को मार जाना, खुद को खा जाना। तो खुद को खाने वाले काम के लिए हम क्या कहेंगे, सुसाइड कर लेना, तो दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम, जिसमें क्या होता है, सुसाइडल बैग जो होते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि इनके पास है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यदि एक्टिवेट हो गए तो आपके सेल ऑर्गेनेल को क्या कर देंगे, डैमेज करने का काम करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है बेटा, राइबोसोम 70S होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दुनिया में हर एक लिविंग सेल में होती ही है, साइटोप्लाज्म होता है बेटा, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस होगा तो हम कहेंगे उसको यूकैरियोट, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द प्लांट्स द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हिच पॉलीसेकेराइड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो कौन से पॉलीसेकेराइड से बनते हैं, तो बेटा काइटीन बनता है किसमें, फंगस में, फंगस का जो सेल वॉल होता है वो काइटीन का होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो बैक्टीरिया के लिए होता है, याद कर लो आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल के लिए होती है, ग्लाइकोजन किसी के लिए नहीं है। क्या पूछा है यहाँ पे, मेन कंपोनेंट ऑफ पॉलीसेक्राइड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल वॉल की बात कर रहा है, तो प्लांट सेल वॉल बनता है बेटा तुम्हारे सेल्यूलोज से बनता है, किससे बनती है, सेल्यूलोज से बनती है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। ओके, विच डिस्कवर्ड सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम, देखो सेम लाइन लिखा है बेटा, फर्स्ट टाइम, ये नहीं बोल रहा कि वो डेड सेल है और लिविंग सेल है, ठीक है। तो यदि डेड सेल की बात करता तो आंसर आता रॉबर्ट हुक, कुछ भी नहीं बोला है तो पहला डिस्कवरी किसने किया बेटा, रॉबर्ट हुक ने पहली बार, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम में इन्होंने क्या देखा था बेटा, डेड सेल को देखा था, पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा था, तो एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने देखा था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन तो इवोल्यूशन में आ जाएगा, इसमें तो आएगा नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस, बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई लोग जो है न्यूक्लियोलस को छोटा मोटा टॉपिक समझ के छोड़ देते हैं, मैंने तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि न्यूक्लियोलस का काम क्या है बेटा, न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनता है, और ये राइबोसोमल आरएनए असेंबल होते हैं, और असेंबल होके बनाते हैं बेटा राइबोसोम, तो इसका मेन काम क्या है बोलेंगे, तो राइबोसोम को असेंबली करने का काम होता है, डीएनए रिप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है बेटा, कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, आरएनए का सिंथेसिस भी न्यूक्लियस में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है,
ठीक है, तो आपको बाकी ऑप्शन का भी लोकेशन याद होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि भाई आप क्वेश्चन डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा राइबोसोम की असेंबली। हाँ, तुम्हारा आरएनए सिंथेसिस की बात हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है, ये सब अलग लोकेशन में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन इन एनिमल सेल? बेटा, एनिमल सेल में जब हमको सेल डिविजन कराना होता है तो आपको पता होगा प्रोफेज में हमारे जो सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर को अटैच कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं थ्रू द काइनेटोकोर प्रोटीन, क्रोमोसोम के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो ये जो सेंट्रोमियर है बेटा, सेंट्रोमियर बोलता हूँ, सेंट्रियोल है, वो कहाँ रहता है बेटा? उस जगह पे रहता है जिसका नाम क्या है, सेंट्रोसोम। तो आपको सेकेंड लेवल में डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे सेंट्रियोल ना लिख करके क्या लिखा है, सेंट्रोसोम लिखा है। आपका आंसर आ जाएगा सेंट्रोसोम। और यदि सेंट्रोसोम नहीं लिखा होगा तो आप लेना सेंट्रियोल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हैज अ राइबोसोम, बेटा जिनके पास राइबोसोम ग्रेन्यूल होता है वो रफ जैसा दिखता है, जिसके पास नहीं होता वो स्मूथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइबोसोम अटैच है बोल रहा है, अटैच है मतलब ये क्या है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैटेगरी में आता है। तो आंसर आ जाएगा आपका बी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल्जी एपेटस इन द सेल? गॉल्जी एपेटस जो है बेटा फोटोसिंथेसिस तो नहीं करता, क्लोरोप्लास्ट में होती है, प्रोटीन की पैकेजिंग बिल्कुल होती है, ट्रैफिकिंग होती है, सेल डिवीजन ये नहीं करता है बेटा, रेस्पिरेशन तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा बी फॉर बॉल, प्रोटीन का पैकेजिंग, टारगेटिंग, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किसकी बात हो गई, गॉल्जी बॉडी की। और गॉल्जी बॉडी में एक और चीज भी होता है बेटा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? ठीक है, देख लेते हैं यार। एनिमल सेल में सेल वॉल होता है, स्टेटमेंट गलत है। प्लांट सेल हैव अ क्लोरोप्लास्ट, सही है। ठीक है ना भाई, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, सही बोल सकते हो आप। ठीक है भाई, यहाँ क्या बोलता है, एनिमल सेल हैव अ वैक्यूल, क्या पूछ रहे हैं, प्राइमरी डिफरेंस बोल रहे हैं ना। ओके, और लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है प्लांट सेल लैक माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो गलत है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो सब में होगा। ठीक है, एनिमल सेल है वो वैक्यूल, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। परफेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। ठीक है, बी फॉर बॉल आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे एक बात देखने की जरूरत है, ये टाइमर मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है क्या, देखो अब दिख रहा है टाइमर, नहीं दिख रहा है। ओके, इसको बीच में लाना पड़ेगा। अब आ रहा है क्या टाइमर? हाँ आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं बेटा। व्हाट स्ट्रक्चर हेल्प मूव ऑर्गेनेल्स एंड मटेरियल विद इन द सेल? मतलब सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, उसमें मटेरियल का ट्रांसपोर्ट यहां से लेकर के यहां तक कौन करता है? तो साइटोप्लाज्म तो लिक्विड पार्ट है बेटा, ये ट्रांसपोर्टेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गॉल्जी एपरेटस पैकेजिंग करता है, मगर सेल विद इन, देखो व्हाट स्ट्रक्चर हेल्प मूव ऑर्गेनेल्स बोल रहे ना, ऑर्गेनेल को मूव कौन कराता है बेटा? तो ऑर्गेनेल को मूव कराता है तुम्हारा साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन बना होता है किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल। हमको ऐसा लग रहा है कि गॉल्जी बॉडी होना चाहिए बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां बोल रहा है बेटा ऑर्गेनेल को मूव कौन कराता है। यार गॉल्जी बॉडी तो खुद ही एक ऑर्गेनेल है, वैक्यूल खुद बेचारा एक ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म वो साइट है जहां पे ऑर्गेनेल होती है। तो मूवमेंट कंट्रेक्टाइल प्रोटीन के थ्रू होता है और उसका एग्जाम्पल है तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है ये। ठीक है,
क्या बोल रहा है, मैं अपने आप को भी नीचे कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको दिखे। चलिए भाई क्या बोल रहे, देखो, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। चलिए पढ़ के देखते हैं। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, गलत स्टेटमेंट है बेटा, यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, व्हाइल प्रोकैरियोट सेल डू नॉट हैव। यस ऑफ कोर्स, ये तो सही है। यूकैरियोटिक सेल हैव अ स्मॉलर राइबोसोम, नहीं, यूकैरियोट में लार्जर राइबोसोम होती है, कट कर दो। प्रोकैरियोटिक सेल आर मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक सेल मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा बी फॉर बॉल। चलिए, हु प्रपोज्ड द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब पहले ये जान लो कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो किसमें अप्लाई होता है, दो ऑर्गेनेल में जिसके पास खुद का डीएनए होता है। क्या क्या डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है बेटा, सर्कुलर डीएनए प्लस 70S राइबोसोम दो लोगों के पास होती है, प्रोकैरियोट को छोड़ के। एक होता है बेटा तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन दोनों के पास में आपका एक्स्ट्रा डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं, जो किसके हैं बेटा, प्रोकैरियोट के हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले जब प्लांट और एनिमल सेल का इवोल्यूशन हो रहा था, तो प्रोकैरियोटिक सेल आ करके हमारे प्लांट और एनिमल सेल में सरवाइव किए थे एज अ सिम्बायसिस, ठीक है, और उसके बॉडी के अंदर जाके रह रहा था, दैट इज कॉल्ड एंडोसिम्बायसिस। देखो, रॉबर्ट हुक ने तो सेल को पहली बार डिस्कवर किया है, चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन वाला बंदा है, लुई पाश्चर माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बंदा तुम्हारा आंसर आएगा बेटा लिन मार्गुलिस, ठीक है, याद रखना। अब ये थ्योरी मैंने नहीं बताया है, बट नाम आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलो देखते हैं। क्या बोलता है, व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपके सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है। तो बेटा आपको पता है कि एक तो लिपिड बाइलेयर होती है, और लिपिड बाइलेयर देखो दो चीजें, एक तो तुम्हारा लिपिड का बाइलेयर होता है, दूसरा होता है बेटा प्रोटीन। लिपिड बाइलेयर बनता है तुम्हारे फॉस्फोलिपिड से, मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो देखो ये फॉस्फोलिपिड और यहां दिया हुआ है प्रोटीन। प्रोटीन पॉलीसेक्राइड तो बहुत कम होता है, 5-8% तक होती है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। कार्बोहाइड्रेट तो गलत हो गया ना, और लिपिड के साथ में पॉलीसेक्राइड बोल रहे हैं, वो प्रोटीन होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को। देखो बेटा, हमने अभी 18 मिनट का रिकॉर्डिंग किया है और टोटल 17 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और हमारा क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है 15 मिनट बिफोर, तो एक मिनट से भी कम टाइम में हम क्वेश्चन बना रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा, इसको ऑन कर लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनेल इज नोन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन द सेल, ठीक है। अब यहां पे डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, इसको हमको यहां पे बेटा देखना है, ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो यहां पे बेटा दो ही चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है भाई, जैसे मान लेते हैं कि यहां पे हमारा जो बंदा है, कौन सा वाला भाई, लाइसोसोम बेटा, लाइसोसोम करता है डिग्रेडेशन, ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता। गॉल्जी एपरेटस का काम तो पैकेजिंग की लिए होती है, मगर डिटॉक्सिफिकेशन और लिपिड बायोसिंथेसिस, ये दो काम होता है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम का काम तो आपको पता है कि ये बंदा क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा बेटा क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग
एन पैकेजिंग मटेरियल इन दी सेल, जो स्टोर करे और पैकेजिंग करे, ठीक है। तो यार माइटोकॉन्ड्रिया का तो रेस्पिरेशन का काम है, लाइसोसोम का डिग्रेडेशन का काम है, राइबोसोम का काम है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। तो स्टोर करके पैकेजिंग करना, मेन तो ये बंदा दिख रहा है मुझे, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन के पैकेजिंग की यदि हम बात करेंगे तो वो कौन करता है बेटा, तुम्हारा गॉल्जी बॉडी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पराक्सीसोम इन अ सेल, ठीक है। पराक्सीसोम के अंदर में पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन के रेडिकल जो हैं वो वाटर के साथ मिलकर के H2O2 बनाते हैं, फिर तुम्हारा कैटलेज आता है, और कैटलेज जो है वो क्या करता है बेटा, इसको H2O प्लस वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होते हैं। तो आपका काम आ जाएगा बेटा ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, और ये फ्री रेडिकल कौन है, टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट मान के चलना, सेट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और पीजीटी का तो ये क्वेश्चन है ही, तो वहां तो आना ही आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। यार डाइजेस्ट करना मतलब डिग्रेडेशन करना, और आपको पता है कि डिग्रेडेशन करने के लिए एंजाइम चाहिए जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं आपके लाइसोसोम में, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका लाइसोसोम आ जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो यार राइबोसोम का काम तो आपको पता है, डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं करता, प्रोटीन का सिंथेसिस ही करता है ये बेटा। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गई, मगर अलग तरीके से पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉल। व्हाट स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड गिव्स शेप टू द सेल, ठीक है, सेल को आकार कौन देता है, निश्चित आकार कौन देता है, तो बेटा प्लांट सेल में सेल को निश्चित आकार देने वाला जो है वो कोशिका भित्ति होता है बेटा। कौन होता है, कोशिका भित्ति होता है, कोशिका दीवार लिखा हुआ है, यही हमारा क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बेटा ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर में साइटोसोल है, सेल के अंदर आना, सेल के बाहर जाना कौन रेगुलेट कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट कर रहे हैं। प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट, सेल वॉल का काम है, ये तो गलत हो गया। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, मुझे सही लग रहा है। स्टोर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में होती है, जनरेट एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉल आ जाएगा, मतलब सही है ये, गलत नहीं है आंसर, ठीक है, इसको हम सही आंसर मान के अपन चल रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लो आपके टोटल 20 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में कितना क्वेश्चन हो गया है बेटा, आपके 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन वन आउट सेल कंपोनेंट, मतलब किसी घटकों को तोड़ने फोड़ने के काम आने वाले कौन से कोशिकांग होते हैं, तो वही डिग्रेडेशन वाली बात हो रही है, तो बात है किसकी बेटा, लाइसोसोम की बात है। देखो लाइसोसोम के तरीके कितने सारे हो गए, क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, बेटा लिपिड का बायोसिंथेसिस कहां होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और दूसरा कैल्शियम का स्टोरेज, और तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन। ये तीन काम याद कर लो, तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट स्ट्रक्चर हेल्प मेंटेन सेल की शेप एंड सपोर्ट, सेलुलर मूवमेंट्स कहता है भाई, सेलुलर मूवमेंट्स आर ए गजब,
अब देखो सेल को सपोर्ट देने वाला तो हमको लग रहा होगा सेल वॉल होगा, ठीक है, मगर आगे लिखा है बेटा सपोर्ट सेल्युलर मूवमेंट्स, और मूवमेंट मतलब कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन मतलब कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन किसके पास है, माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के पास है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आंसर होगा बेटा, ठीक है ना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, यस ये आपको डाइवर्ट कर सकता है। हु डिस्कवर दिस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यार डीएनए का स्ट्रक्चर इतना फेमस है, वाटसन एंड क्रिक का डबल स्ट्रैंडेड मॉडल ये आपने पढ़ा होगा, हाँ विल्किंस और फ्रैंकलिन का नाम भी याद रखना, विल्किंस और फ्रैंकलिन ये साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, और इन्हीं के स्ट्रक्चर के बेस पे तुम्हारे वॉटसन और क्रिक ने डबल स्ट्रैंडेड मॉडल ऑफ डीएनए को यहाँ पे प्रपोज किए थे, ठीक है, बाकी मेंडल के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स के पप्पा हैं, डार्विन को जानते हैं बेटा नेचुरल सिलेक्शन, और फ्रैंकलिन के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which type of cell has a cell wall composed of peptidoglycan? मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया बेटा प्लांट का सेल वॉल बनता है सेलुलोज से, ठीक है, और फंगस का सेलुलोज बनता है काइटीन से, जो सेल वॉल होती है, और बैक्टीरिया का बनता है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन से, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं इसको, तो पेप्टाइडोग्लाइकन किस में प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन दिखने रहे इसलिए नीचे ले आता हूं इसको, क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यार यार न्यूक्लियर का यदि मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर के अंदर बाहर जाने के लिए रेगुलेट करेगा, तो प्रोटेक्शन तो नहीं कर सकता, कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये किसी कंपोनेंट को अंदर बाहर जाने के लिए कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन में कोई रोल नहीं है, प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट कोई रोल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर वॉल। व्हाट स्ट्रक्चर फॉर्म द नेटवर्क फॉर द सेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात कर रहे बेटा, आपके पास न्यूक्लियस के पास एक लूप है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहा जाता है गॉल्जी बॉडी, तो याद रखना कभी भी जब नेटवर्क की बात करें और ट्रांसपोर्टेशन बोले बेटा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडी दोनों आएगा आंसर, मगर मेन ट्रांसपोर्ट कौन करता है बोलेंगे, पैकेजिंग कौन करता है बोलेंगे, तो आप लेके चलना गॉल्जी बॉडी, ऑप्शन में गॉल्जी बॉडी नहीं होगा तो आप लेके चलना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट स्ट्रक्चर हेल्प इन सेल मूवमेंट एंड इज कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यार माइक्रोट्यूब्यूल देखो न्यूक्लियस में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, लाइसोसोम में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, राइबोसोम नहीं है, सीलिया और फ्लैजिला में कंट्रेक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होती है वो 9+2 अरेंजमेंट कहलाता है, 9 डबलेट होती है और 2 सिंगलेट होता है, ये मैंने बताया था मेरे पीजीटी के कोर्स में मैंने बताया था बेटा, और मैं आपके बहुत सारे पीवाईक्यू लेके आया हूं, देखो एक एक पीवाईक्यू आपके इसमें बनेंगे, इसलिए बोल रहा हूं यदि आपने अभी तक पेड कोर्स परचेस नहीं किया है तो प्लीज परचेस कर लीजिए, बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं पीजीटी का कोर्स, आपको आपको यदि मेरे बारे में पता होगा तो हम जो सेट के कोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा उसमें CSIR नेट लेवल के मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो बच्चे मेरा सेट का कोर्स परचेस किया है यदि उनका सेट क्वालिफाई नहीं होता है तो कंटिन्यू उसी वीडियो से नेट की तैयारी कर सकते हैं, तो बेनिफिट है मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलिए। व्हाट ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब बताओ कार्बोहाइड्रेट का मतलब है, देखो ध्यान से यहां पे ग्लाइकोसाइलेशन एक वर्ड ले रहा हूं, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है बेटा, आपके कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ में जोड़ना होता है, और ये प्रोटीन जो है वो ईआर से दौड़ते हुए आता है गॉल्जी में, और गॉल्जी में प्रोटीन
को चिपका देते हैं कार्बोहाइड्रेट से और क्या हो जाता है, ग्लाइकोसाइलेशन। इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना, और कार्बोहाइड्रेट कहाँ बनता है, तो वहीं बनेगा जहां पे ऐड होता है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, रेस्पिरेशन करेगा तुम्हारा माइटोकॉन्डिया, गोल्जी एपरेटस आपका सही आंसर होगा। देखो गोल्जी बॉडी और क्या क्या काम करता है, बहुत सारे काम है। गोल्जी बॉडी देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है गोल्जी, गोल्जी से बनता है आपका लाइसोसोम वैक्यूल्स, ठीक है, ये लोग बनते हैं। दूसरी बात, यही गोल्जी बॉडी प्रोटीन का ट्रैफिकिंग, टारगेटिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है। और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस सेल के अंदर कहाँ होता है, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी क्या होगा, गोल्जी एपरेटस होगा बेटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट पार्ट ऑफ द सेल कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल, तो वही जो अनुवांशिक सामग्री होती है बेटा, वो कहाँ होता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर में होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल, आपको बताओगा कि प्लांट सेल के पास एक लार्ज वैक्यूल होता है, मतलब मैक्सिमम 90% को तो ऑक्यूपाइड यही कर लेता है, 90% एरिया इन द प्लांट सेल ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। और इतने बड़े एरिया में रखेगा क्या, एयर को रखेगा, अनवांटेड मटेरियल को रखेगा, प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं होता, रेप्लिकेशन नहीं होता, रेस्पिरेशन नहीं होता, बड़ा सा मटका क्या काम करेगा बेटा, स्टोरेज का काम करता है। क्या काम करता है ये काम करता है स्टोरेज का, ठीक है। देख लो 29 मिनट्स में हमने 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए, मतलब लेस देन 1 मिनट में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल एंड फंगस। प्लांट सेल बनता है सेलुलोज, है ना, और फंगल सेल बनता है बेटा काइटीन। ढूंढो, प्लांट सेल आर मेडअप ऑफ काइटीन, स्टेटमेंट गलत। फंगल सेल आर मेडअप ऑफ सेलुलोज, गलत। प्लांट सेल वॉल आर मेडअप ऑफ सेलुलोज, सही है। फंगल सेल बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से, गलत है। आपका आंसर मिल गया, सी है बेटा। विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन, प्रोटीन को पैकेज करना और मॉडिफिकेशन में ग्लाइकोसाइलेशन आता है, और ये कौन करता है, मैंने अभी दिखाया है, देख लो ये भी क्वेश्चन आता है, कौन है बेटा, गोल्जी एपरेटस। देख रहे हो एक ही टाइप के क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहे हैं, आपके पीवाईक्यू में इतने सारे बेहतर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो मेरे बच्चे, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल, यार फंगल सेल वॉल मैंने अभी बताया था किससे बनता है, काइटीन से बनता है। विच स्ट्रक्चर इन अ प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट, प्लांट सेल में जो रिजिड स्ट्रक्चर होती है बेटा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेल वॉल इन प्लांट सेल। व्हाट सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन कहाँ होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दो तरह के होती है, एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका नया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, टाइमर दिख नहीं रहेगा, टाइमर को थोड़ा ऊपर ले आते हैं। अब देखो टाइमर दिख रहा है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बेटा, टोटल 50 क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है। व्हाट ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का सिंथेसिस कौन करता है इन द न्यूक्लियस, तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में बनता है राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए से मिलता बनता है आपका राइबोसोम, और राइबोसोम की असेंबली कहाँ होती है, तो यही होती है कहाँ, न्यूक्लियोलस में। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है। हु फर्स्ट ऑब्जर्व
एंड डिस्क्राइब द गॉल्जी एपरेटस। तो भैया गॉल्जी एपरेटस को तो आपके कैमिलो गॉल्गी ने बताया है, पीछे नाम लिखा हुआ है गॉल्गी, तो इसमें दिक्कत नहीं है, फालतू क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, इनके पास पिगमेंट है और पिगमेंट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, बेटा साइटोस्केलेटन में कौन कौन आता है, माइक्रोट्यूब्यूल आते हैं, माइक्रोफिलामेंट आते हैं, ठीक है। तो ये लोग करते हैं क्या है, सेल के आकार को मेंटेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं मूवमेंट को, तो आपका आंसर आ जाएगा ये स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन, तो तुम्हारा वैक्यूल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है, एडीपी का प्रोडक्शन कौन करता है, राइबोसोम, सॉरी एडीपी का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। What is the main function of endoplasmic reticulum? यहां इसने नहीं बताया कि rough endoplasmic reticulum है, ठीक है, या फिर smooth endoplasmic reticulum है। Smooth का काम मैंने तीन बताया था बेटा, क्या क्या काम थे, पहला काम था इसका lipid का biosynthesis, second काम था calcium का storage, एक lipid का biosynthesis, और last काम था detoxification। आपके rough का काम था protein synthesis, ये देख लो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, लिपिड का बायोसिंथेसिस है, स्मूथ में होता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 46, बहुत पास आ गए हैं बेटा, 33 मिनट में हमने 46 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेल कंटेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मैंने अभी बताया था 90% ऑफ द प्लांट सेल, 90% एरिया ऑफ प्लांट सेल ऑक्यूपाइड बाय लार्ज वैक्यूल, दैट मींस आपका आंसर होगा प्लांट सेल, ठीक है। व्हाट स्ट्रक्चर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन द प्लेट, ये पता होगा आपको, जब प्लांट सेल में सेल वॉल होता है तो इनमें क्लीवेज फ्यूरो नहीं बन पाता है बेटा, तो क्या होता है कि तुम्हारे गॉल्जी बॉडी के छोटे छोटे वेसाइकल मूव करते हैं और यहां पे एक लाइनिंग बनाते हैं कुछ इस तरह से। अब लाइनिंग बनाने के बाद यही क्या करेगा, ये इसको दो सेल में डिवाइड कर देता है अलग अलग, तो ये बना लेता है बेटा सेल प्लेट फॉर्मेशन, जो कि प्लांट सेल में होता है, आंसर आ जाएगा आपका गॉल्जी बॉडी आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का काम है डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन को क्या बोल सकते हो, ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रीज, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है, तो आंसर आएगा आपका सी। व्हाट टाइप ऑफ सेल कंटेन सीलिया, बेटा सीलिया जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं होता, उसमें जो होता है उसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिया या सेक्स पिलाई कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में नहीं होता, बैक्टीरियल सेल में भी पिलाई होती है, प्लांट सेल में नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा आपका यूकैरियोटिक सेल। लास्ट हमारा आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और आप टाइम देख लो, 35 मिनट में हमने पूरे क्वेश्चन बना दिए हैं, 35 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन का क्राइटेरिया जो है हमने कंप्लीट किया है। बोलता है बेटा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमको पहले से पता है लिपिड का बायोसिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये देख लो 36 मिनट में हमने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं 50। इसी स्पीड से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, मगर कब बनाओगे, जब सुदेश सर से थ्योरी पढ़ोगे, तो बहुत जल्दी, ज्यादा लेट ना कीजिए, क्योंकि कई बच्चे जैसे सेट का कोर्स मैंने पिछले साल बनाया और ये बच्चे नोटिफिकेशन के बाद अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा किसी भी कोर्स में आप लेट मत करें। जब भी आपका सपना टीचर बनने का है और आप सेट परचेस करके रखे हैं या सेट के कोर्सेस कर रहे होंगे, और आपके पास यदि बीएड होगा तो आपको बहुत जरूरी है। मैं 6 टाइम नेट क्वालिफाई होने के बाद भी मैंने बीएड किया था, और बीएड करके बेटा सीटेट सीजीटेट सब मैंने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है कि आप, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया है, मैं 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, मगर आपके कैरियर में जिस चीज की नीड होती है ना, टीचर बनने के लिए जो सबसे पहले नीड होती है वो बीएड होती है, तो बीएड करके रखिए, क्योंकि बायो के कैंडिडेट के लिए यदि सेट क्वालिफाइड नहीं होता तो बीएड भी एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, ठीक है।
तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके तो चलिए बेटा मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी और इसी कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ। तो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो नया चैनल है यूट्यूब का सुरेशर बायोलॉजी, प्लीज उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और हमको थोड़ा मोटिवेट कीजिए। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।